नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मिथिलेश सरदार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक वर्कआउट वीडियो बनाने वाले हैं और आज का जो वर्कआउट होगा वो होगा फोर आर्म्स के बारे में। देखिए, काफ़ी लोग जो होते हैं वो फोर आर्म्स का एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखोगे, आपकी जो ओवरऑल जो फिजिक होती है वो आपके फोर आर्म्स के लुक पर बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक आपका बैलेंस लुक आपको देती है। अगर आपका फोर आर्म्स वीक होगा तो आप कभी भी ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर पाओगे, क्योंकि आपके जो फोर आर्म्स है, क्योंकि जितना भी सारा जो वेट कैरी करता है वो हमारे फोर आर्म्स के थ्रू ही होता है। तो जिस तरीके से आप अदर बॉडी मसल्स को आप तवज्जो देते हैं, उसी तरीके से आप फोर आर्म्स को भी आप तवज्जो दोगे, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके दूसरे मसल्स आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हम चार वर्कआउट करेंगे जिसमें आपका 10 से 15 का रेपिटेशन होगा और आपको इसको 3 से 4 सेट्स में आपको लगाने हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब बाइसेप या बैक का एक्सरसाइज करें उसके बाद आप इसको करें। हफ्ते में आप 2 से 2 दिन आप इसको जरूर ट्रेन करें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि फोरआर्म से एक ऐसा मसल है जो आपके हर बॉडी पार्ट के एक्सरसाइज में वो इंक्लूड रहता है, कहीं ना कहीं उसका काम हर दिन होता है। जिस वजह से क्या होता है कि उसका जो मसल्स होता है वो काफ़ी मतलब जिद्दी मसल कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर आप सही तरीके से ट्रेन नहीं करोगे उसके लिए भी आपको पूरा 4 से 5 सेट आपको लगाने होंगे, तभी आपका फोरआर्म्स जो है वो ग्रोथ करेगा सही से। तो आइए वर्कआउट शुरू करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।